ये होंडा की है, ये जाइलो की है, ये जाइलो की लाइट है, ये टाटा वालों की है, टाटा जेस्ट की, ये इनोवा की है, और ऐसे ही ये हमारे अल्टो K10 की है। कहने का मतलब ये है कि हर गाड़ी की लाइट हमारे पास अवेलेबल होती भी है, और जो नहीं होती वो हम अरेंज करा देते हैं। इसका प्राइस यहाँ पे 800 रुपये होता है, कंपनी में जो है 1500-1600 रुपये की होती है। ये हल्के हल्के नुकसों पर कंपनी से फेल हो जाती हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको हम बजट में बेचते हैं। कंपनी में यही आइटम अगर आप लेने जाओगे 2500 की लाइट है, यहाँ पे जो है 700-800 रुपये में काम हो जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एशियन व्लॉग विद सनी। तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, और इससे पहले कि मेरी सारी वीडियो जाकर देख लेना। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम आ गए हैं गोकुलपुरी टायर मार्केट में। तो इसका मैं इसका सेकेंड वाला पार्ट बना रहा हूँ। जिसने मेरा फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा वो जाकर देख लेना, क्योंकि जो चीज़ मैं इसमें नहीं दिखा रहा वो मैंने उसमें दिखा दी है, जो चीज़ मैंने उसमें नहीं दिखाई वो मैं इस वाली में दिखा रहा हूँ। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के दोनों पार्ट मेरे जाकर देख लेना, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इस टायर मार्केट के अंदर आपको क्या क्या सामान मिलने वाला है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं दोस्तों, मोटरसाइकिल से रिलेटेड, कार से रिलेटेड यहाँ पर सारा का सारा आइटम आपको A to Z आइटम यहाँ पर मिलने वाला है। ये शोकर आप देख रहे हो, सारी के सारी मोटरसाइकिल के शोकर इनके पास में मौजूद रहते हैं, और बहुत ही कम रेंज में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एकदम मुनासिब रेट पर ये अपना सामान को बेचते हैं। अगर आप बाहर से ये वाली चीज़ खरीदते हो जो कोई 1000-1500 रुपये की बताता है, तो आपको यहाँ पर 400-500 रुपये की ये आराम से लगा कर दे देंगे। उसमें भी अगर आपकी मर्ज़ी जैसे तुम बार्गेनिंग तुम करना चाहो तो बार्गेनिंग भी बड़े आराम से कर सकते हो। और यहाँ पर A to Z आपको चीज़ें मिलने वाली है। जैसे कि अब आप आगे की तरफ में आकर देखेंगे, देखो ये सब मोटरसाइकिल के इंजन से रिलेटेड है। अगर जो आपके इंजन में कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ से ये वाली चीज़ आकर लेके जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा ना लंबी खींचते हुए देखो, ये सब कार का आइटम है। ये कार की हेडलाइट वगैरह, लैंप पीछे के, सारी चीज़ आपको मिलेगी। तो ठीक है ना दोस्तों, तो चलो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। ये हमारी गोकुलपुरी टायर मार्केट है। यहाँ पर जो है हमारे पास लाइटों का, पुरानी गाड़ी की लाइटों का काम है। पुरानी लाइटें हमारे पास हर प्रकार की मिलती हैं, आगे की हेडलाइट हो या पीछे की बैक लाइट हो। उसमें जो है हमारे पास स्विफ्ट है, होंडा की गाड़ियों की है, होंडाई की वरना है, या i20 है, या i10 है, और पीछे की भी होती हैं तकरीबन, या स्विफ्ट डिज़ायर है कि टैक्सी में है, ऐसे टैक्सी वालियों की सारी गाड़ियों की हमारे पास लाइटें होती हैं, हेड लाइट, बैक लाइट, और इनके प्राइस भी बहुत सस्ते होते हैं हमारे पास। जैसे कि कंपनी में एक आइटम जो है 2500 की है, तो हमारे पास 600-700 रुपये तक की वो लाइट मिल जाती है, यानी कम बजट में काम हो जाता है। तो टैक्सी वाले हमारे यहाँ बहुत आते हैं, हमारे टैक्सी वालों से काम ज़्यादा है, प्राइवेट कम है। लेकिन क्या है कि हर गाड़ी की तकरीबन लाइट हमें मिल जाती है। बाज़ दफ़ा नई लाइट होती उसके लिए हम ऑर्डर ले लेते हैं, उनको वो लाइट भी अरेंजमेंट करा देते हैं। अब जैसे स्विफ्ट की है न्यू मॉडल, ये मिल जाती है, या होंडा की है, ये जाइलो की है, ये जाइलो की लाइट है, ये टाटा वालों की है, टाटा जेस्ट की, ये इनोवा की है, और ऐसे ही ये हमारे अल्टो K10 की है। कहने का मतलब ये है कि हर गाड़ी की लाइट हमारे पास अवेलेबल होती भी है, और जो नहीं होती वो हम अरेंज करा देते हैं। ये स्विफ्ट डिज़ायर की है Type 2 की, जो आजकल रोड पर टैक्सी में चल रही है गाड़ी, ये हम 500 रुपये की देते हैं, क्योंकि हम जो है कम मार्जिन पे बेचते हैं। टैक्सी वालों को सस्ता माल चाहिए होता है, उसके हिसाब से हमें माल निकालना पड़ता है। ऐसे ही है हमारे पास जो है स्विफ्ट की हेडलाइट है, उसी मॉडल की है, डिज़ायर की। हमारे पास ये नई लाइटें होती हैं, नई होती मतलब पुरानी गाड़ियों की उतरी भी होती हैं, एक्सीडेंट गाड़ियों की होती हैं, जो कंपनी से माल उठाया जाता है उसमें ये है ओरिजिनल लाइटें होती हैं। ये लुमैक्स की कंपनी से लग के आती है। ये देखो, ये लिखा हुआ कंपनी का नाम लुमैक्स, ये लिखा हुआ है, कंपनी से ही लग के आती है गाड़ी के अंदर। पर ये साफ़ लाइटें होती हैं, क्योंकि कंपनी में जो है पूरा सामान चेंज हो जाता है, वो लाइटें होती हैं। ये हमारे पास आती है इस प्रकार की। कितने की? ये 700 रुपये के हम देते हैं। ये 700 रुपये का फिक्स रेट है इसका। ये अल्टो K10 की है, इसकी भी मिल जाती है हमारे पास, ये 500 रुपये की हम बेचते हैं। ये भी ओरिजिनल लाइट है, मारुति है, होंडाई है, होंडा है, जो आमतौर से गाड़ी ज़्यादातर चलती हैं उनकी सबकी मिल जाती हैं। इनोवा की हेडलाइट है,
ये बिल्कुल नई की तरह ही होती है ये, क्योंकि कंपनी में जो होता है चोट मार देते हैं, ख़राब कर देते हैं, वो हम रिपेयर करके हम बेच लेते हैं सस्ते दामों पे। इसका प्राइस जो है हम 1000 रुपये देते हैं। हाँ, फिट करा के देते हैं गाड़ी के अंदर, जैसे कोई कस्टमर फिट कराने आता है तो फिट करा के भी दे देते हैं। जो उसका फिटिंग का चार्ज होता है वो जो 10-20-50-100 रुपये होते हैं वो लेता है। कंपनी में तो ये महंगी है, 4000-4500 की भी है। देख सकते हैं ये फोर्ड की है, इको स्पोर्ट की लाइट, इको स्पोर्ट, ये ओरिजिनल लाइटें होती हैं। हम यहाँ पे देते हैं 700 रुपये, कंपनी में इसका प्राइस ज़्यादा है, यहाँ पे सस्ता है, क्योंकि हमारे पास सस्ती में आती हैं कंपनी से, ये सब तरीके का माल होता है उसमें। वॉल्सवैगन पोलो की, वॉल्सवैगन वालों की है लाइट, ये पोलो की, ये भी जेन्युइन में ही होती है। इसका प्राइस यहाँ पे 800 रुपये होता है, कंपनी में जो है 1500-1600 रुपये की होती है। आप लाइट देख सकते हैं, साफ़ लाइट है, कहीं से टूटी फूटी भी नहीं। हाँ, ये होंडा की है, होंडा अमेज जो न्यू मॉडल आई है अभी, 2018 मॉडल आई है, 17-18 मॉडल, 19 मॉडल, ये ओरिजिनल लाइट है ये होंडा की। ये कम यूज़ हुई भी होती हैं, ये हल्के हल्के नुकसों पे कंपनी से फेल हो जाती हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको हम बजट में बेचते हैं, कम दामों पे बेचते हैं। आमतौर से हर आदमी कंपनी नहीं जा पाता, कंपनी में यही आइटम अगर आप लेने जाओगे 2500 की लाइट है, यहाँ पे जो है 700-800 रुपये में काम हो जाएगा, तो कस्टमर को तसल्ली भी होगी, खुशी भी होगी, और वो 10 जनों को और भेजेगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो है तसल्ली बख्श काम होता है। इसके अलावा जो है साइड मिनर होते हैं गाड़ी के, जो ख़राब हो जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग भी हम कर देते हैं। शॉप का नाम बता दें। हमारी शॉप का नाम है फेमस कार लाइट, ये मार्केट है, सरकारी मार्केट है, हाँ, एक नंबर का काम है यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, सरकार की निगरानी में काम होता है। हमारे यहाँ पे थाने भी है, उनकी निगरानी में सारा काम यहाँ चलता है, यहाँ कुछ ऐसा काम नहीं है गलत सलत, यहाँ एक नंबर का काम है, तसल्ली बख्श काम होता है कस्टमर के साथ।